गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कलर और काउंटिंग दोनों एक साथ करेंगे। काउंट करेंगे, फिर जितनी काउंटिंग दी गई है उसी में हम उसको कलर करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है होगा, आज का हमारा टॉपिक है काउंट एंड कलर। आपको काउंटिंग करना है और उसके बाद आपको कलर करना है। यहाँ पे देखिए, हमें नंबर दिया गया है टू, नंबर टू, तो हमें कितने में कलर करना है? ओनली टू में, वन टू। नेक्स्ट हमारा है फोर, काउंटिंग है फोर और हमें कलर भी फोर में ही फिल करना है, वन टू थ्री फोर। नेक्स्ट नंबर है हमारा थ्री, वन टू थ्री, थ्री में ही हमें कलर काउंट करना है। नेक्स्ट नंबर है हमें वन, तो हमें कितने में कलर करना है? ओनली वन थ्री में कलर करना है। आप लोगों को पता है कौन सा शेप से? इसको हम सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। मम्मा रोटी बनाती है गोल गोल, ये है सर्कल, ट्राइंगल। ये कौन सा शेप से हमारा? ट्राइंगल। स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता होगा, हमारे घर के आसपास बने रहते हैं ये, ठीक है, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ट्री। जैसा कि आपको पेज नंबर 23 में दिया गया है काउंट एंड कलर, सारे बच्चे ओपन कीजिए अपनी बुक और अपनी बुक में देखिए, टॉपिक ऊपर दिया है काउंट एंड कलर और आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए। यहाँ पे देखिए शो हो रहे डिफरेंट नंबर्स दिए गए और काफी अट्रैक्टिव, काफी खूबसूरत सी पिक्चर्स दी गई है। पहले आपको दिया गया फेस, फिर स्टार, तो यहाँ पे हमें काउंटिंग दी गई है फाइव, कलर फाइव फेस, तो हमें कितने में कलर करना है? ओनली फाइव में, वन टू थ्री फोर फाइव। कलर बिल्कुल अच्छे से फिल करना है आपको, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलर सेवन स्टार, तो हम यहाँ पे कितने में कलर करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट है हमारा कलर थ्री सर्कल्स, तो हम कितने सर्कल्स में कलर करेंगे? वन टू थ्री। कलर टू फ्लावर, फ्लावर में हम वन टू, वन टू में कलर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कलर वन हाउस, तो हम सिर्फ वन हाउस में ही कलर फिल करेंगे। सारे बच्चे अपना होमवर्क अच्छे से करके पिक्चर मैम को सेंड करेंगे, तब उसके नीचे लिखेंगे मैथ्स का वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आपका इसी तरह से देखिए, ठीक है। पेज नंबर 24 भी पेज नंबर 23 के जैसा ही सेम टू सेम है, तो आपको इसमें भी कलर फिल करना है। आज हमारा फिर नेक्स्ट आज स्टार्ट हो रहा है टॉपिक काउंट एंड कलर एंड राइट एंड राइट। अब आपको काउंट भी करना है, कलर भी करना है और आपको राइट भी करना है। देखिए पेज नंबर 25 यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कलर दैट मैनी बॉक्सेस, आल्सो राइट द नंबर इन द गिवन सर्कल्स। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। देखिए जिराफ, जिराफ काउंट कीजिए, वन टू, तो हमें यहाँ पे राइट करना है, लिखना है, ठीक है, और टू में कलर फिल करना है। नेक्स्ट हमें दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें यहाँ पे फाइव लिखना है और फाइव ही बॉक्स में आपको कलर फिल करना है। नेक्स्ट है वन टू थ्री, वन टू थ्री में आपको कलर फिल करना है और यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखना है। नेक्स्ट है फिश, वन टू थ्री फोर,
तो आपको फोर बॉक्सेस में कलर करना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको 4 लिखना है अच्छी राइटिंग में। मम्मा पापा से नहीं लिखवाएंगे, आप खुद ही लिखेंगे, हमारी बुक है तो हमें को लिखना होगा। जैसे हमारा बर्थडे होता है, केक आता है, तो मम्मा पापा नहीं केक कट करते हैं ना, आपका बर्थडे तो आप ही केक कट करते हैं, तो ये बुक किसकी है, आपकी। तो इसको भी फिल कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। जैसी भी राइटिंग आती है आप ही को लिखना है, मम्मा पापा की हेल्प से नहीं करेंगे हम, ओके। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, वाव, सेम टू से पेज नंबर 25 के जैसे ही 26 भी है। बलून्स काउंट करेंगे और इतने ही बॉक्सों में आपको कलर करना है या काउंटिंग लिखना है, सेम टू सेम ये भी ऐसा है। अब नेक्स्ट आपको दिया है, काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड राइट इन द गिवन सर्कल। सबसे पहले तो आपको आपको दिख रही होगी, बस दिख रही है, उसमें काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं, आपको इन सभी को काउंट करना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे काउंटिंग क्या लिखेंगे, 9। और नेक्स्ट दिया है द गिवन सर्कल, हमें यहाँ पे सर्कल भी काउंट करना है, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने सर्कल है, 5, तो हम यहाँ पे ही 9 और 5 दोनों नंबर लिखेंगे, 9 5 सर्कल। और ये सिर्फ आपका ओवल है, ये सर्कल नहीं है, ओवल दिख रहा है हमें पिक्चर में, कैसा दिख रहा है, ओवल, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ओके। बलून्स में भी देखिए, सर्कल के नीचे कुछ ड्रॉ है, तो ये हमारा सर्कल नहीं कहलाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज है आपका 27, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, नंबर्स एंड नंबर नेम्स, write the numbers names and move your pencil along the arrow, ठीक है, आपको काउंटिंग लिखना है और स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करना है। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये पूरा पेज भी फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छी सुंदर सी राइटिंग में आपको ये फील करना है। आज की क्लास हमारी बस इतनी ही, अब हम मिलेंगे कल फिर से आपसे, ओके बाय।